हे गाइस, दिस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन और पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो बताऊंगी। अब मैं आपको ये नहीं बोलने वाली कि आप दो जगह से मार्जिन ड्रॉ कर देना, ये सब नहीं करना है, ये आप सबको ऑलरेडी पता है। मेरे हिसाब से जब मैंने मेरे इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर किए थे तो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस थी, वो था कि पैटर्न को समझना। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो याद रखो इन सारे चीज़ों को, जो कीवर्ड्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए कि जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मुझे इन 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 पर्टिकुलर चीजों का ध्यान रखना है। कुछ ऐसी चीजें हैं एक एक करके जो मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं हम आपके पेपर की, जिसमें सबसे पहली चीज आती है अटेम्प्ट करने की। तो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम पहले लिटरेचर सेक्शन करें, राइटिंग सेक्शन करें। देखो यार, मैं मेरे स्कूल टाइम पे तो मैं तो हमेशा राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट करती थी, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी क्योंकि मोस्टली बच्चे लिटरेचर पढ़ के जाते हैं, तो वो पहले लिटरेचर अटेम्प्ट करो, फिर आप राइटिंग और ग्रामर सेक्शन करो और लास्ट में अनसीन पैसेज करो। इसके पीछे भी रीजन है, अनसीन पैसेज लास्ट में करना चाहिए क्योंकि आपके पास स्टिल आप लास्ट में आपके पास प्रेशर नहीं होता कुछ खत्म करने के लिए। क्योंकि जब आप लिटरेचर सेक्शन लास्ट के लिए छोड़ते हो तो जो चीज आपको आ रही होती है, जिसको आप पढ़ के जाते हो, क्योंकि अनसीन पैसेज तो अनप्रेडिक्टेबल है, तो फिर आप जिसे पढ़ के जाते हो एटलीस्ट वो आप बेस्ट कर सको। तो मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ, हर एक टीचर का, हर एक स्टूडेंट का अपना अपना रिव्यू हो सकता है, तो आप यू आर मोर देन वेलकम, जैसे आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, आप लिटरेचर करो, बाद में आप राइटिंग करो, ताकि आपका मेजर चंक जो लिखने वाला है वो निकल जाए और आप माइंड फ्री होकर के बाकी का काम कर सको। दूसरी चीज, एक चीज बच्चों को नहीं पता कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं, दीदी मैंने दो स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी या मेरी तीन या चार स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो मेरे तीन चार नंबर कट जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आपके किसी भी आंसर में दो से ज्यादा मिस्टेक होती है तभी आपका टीचर हाफ मार्क्स डिडक्ट कर सकता है आपके सीबीएसई मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। लेट सपोज आपके एक स्पेलिंग है जो आपने गलत कर दी, आपने अमेंडा की स्पेलिंग ही गलत कर दी, ठीक है, मान लो आपने ऐसे लिख दिया, उस केस में आपका मार्क्स नहीं कटेगा। टीचर विल वेट फॉर सम टाइम कि कहां पे एक और स्पेलिंग मिस्टेक है, जहां पे उसे लगे कि ठीक है नाउ टू स्पेलिंग्स आर रॉन्ग, उस केस में बच्चे फिर आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो ये चीज याद रखो। तो ऐसा नहीं है कि एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो नंबर कट जाते हैं। अब सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या आता है, जब बच्चा कहता है कि मुझे टीचर, जब आप लोग कहते हो टीचर कॉपी चेक करते हुए तीन में से पता नहीं क्यों टू एंड हाफ मार्क्स देता हुआ चलता है, बल्कि होता सब कुछ सही है, यहां पर आता है पेपर प्रेजेंटेशन का असली काम। बच्चा क्या करता है ना, जब वो सीबीएसई का पेपर देने जाता है तो यार मैंने कभी मना नहीं किया कि आप आंसर कैसे, आंसर आपको जैसे मर्जी लिखना है लिखो, लेकिन अगर आप मार्किंग स्कीम देखोगे तो पता चलेगा कि वहां पे बच्चों आपको हाफ मार्क्स तो सीधा आपकी वोकैबुलरीज के मिल रहे हैं कि आपने किस तरीके की लैंग्वेज यूज करी है। तो आप इसके लिए, इस ढाई नंबर के लिए तब तक कंप्लेन नहीं कर सकते जब तक आपने उसमें वोकैबुलरीज अच्छी नहीं लिखी हो। अगर आप सिंपल वर्ड्स लिख करके आओगे तो आपको फिर मार्क्स में डिडक्शन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा बच्चा आपसे बेटर इंग्लिश लिख रहा है, इसीलिए आपके लिटरेचर में उस चीज के मार्क्स असाइन होते हैं ताकि वो जस्टिस कर सके। अगर मैंने किसी चीज को बहुत सिंपल वे में लिखा है, मैंने सैड को सैड लिखा है और बगल वाले बंदे ने सैड को बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स में डिवेस्टेटेड, डिस्पेयर, कुछ भी लिखा है, तो ऑफकोर्स टीचर उसको ज्यादा मार्क्स देता है। इसीलिए फेयर मार्किंग स्कीम के हिसाब से ये ढाई नंबर, तो जो लोग कहते हैं ना आपके ढाई नंबर, तीन में से ढाई नंबर वो टीचर काटता हुआ, नहीं ऐसा नहीं होता, पूरे तीन में से तीन नंबर लेते हो और मैंने लिए हैं, और वो लेना बहुत आसान है, उसके लिए यही आपको रखना पड़ता है। अच्छा, दो तीन वोकैबुलरी, वही दो तीन वोकैबुलरी जो आप हर एक चैप्टर से पढ़ते हो उसी को आप अंडरलाइन करते हो, तब जाके आपको मिलते हैं तीन मार्क्स। तो तीन मार्क्स इसलिए नहीं मिलते कि आपने बहुत अच्छा अच्छा सजा के आंसर लिख दिया अंडरलाइन, वो तो ठीक है, आपने बहुत ज्यादा डेकोरेट करके लिख दिया अंडरलाइन में, आपने कीवर्ड्स अच्छे लिखे ही नहीं, कुछ भी कीवर्ड्स लिख दिए उसमें टीचर नंबर नहीं देता। हाफ मार्क्स आपको मिलेगा वोकैबुलरी का ही, मतलब एक नंबर होता है आपके आंसर के प्रेजेंटेशन के, आपने फ्लो कैसा बनाया है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कितनी डाली, और हाफ मार्क्स होता है आपकी वोकैबुलरीज का। एक चीज याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप अपने लॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट करो, आज इस बार क्योंकि आपके पास इस तरीके के लॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं तो आपको बेटा इसका फॉर्मेट सीख लेना है, आप फॉर्मेट में मार्क्स आपको नहीं खोना है, तो कोशिश करो फॉर्मेट सीख लो, तो आपको यहां पे भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अंडरलाइन मैंने बोला कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेंडा की मदर के लिए मैंने वर्ड्स लिखे हैं कि वो क्रिटिकल थी, स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी थी, निट पिकिंग करती थी, बिहेवियर पे, एकेडमिक्स पे, इस तरीके के कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं। एक मेजर कंसेप्शन है, तब जाके आपको तीन मार्क्स मिलता है, सिर्फ पेपर को डेकोरेट करके और साफ साफ लिखने से नहीं मिलता। एक बच्चे ने मेरे को कल मैसेज किया, आई डोंट नो उसका नाम क्या था, आई थिंक राहुल नाम था उस बच्चे का,
वो मध्य प्रदेश से था, उस बच्चे ने मेरे को मैसेज करके बोला कि दीदी आप मुझे एक बात बताओ कि मुझे मैंने कहीं से सुना या मुझे किसी ने बोला, मुझे नहीं पता उसको किसने बोली ये चीज़ कि टीचर भाई आपके स्टार्टिंग के 2 लाइन पढ़ते हैं, एंड की 2 लाइन पढ़ते हैं और नंबर दे देते हैं। बच्चों एक कॉपी को 3 टीचर चेक करता है, हालांकि आपके 1 या 2 जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो उससे टीचर को आइडिया लगता है, उसी माइंडसेट से वो पूरी कॉपी चेक करता है। अगर स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस उसको जबरदस्त लगे उसके लिए आप टॉपर हो, इसीलिए मार्किंग जब चेक होकर आती है कॉपी तो डिफरेंस होता है, क्योंकि आप टॉपर हो, आपने स्टार्टिंग में अच्छा सा लिखा नहीं तो टीचर सोचता है अरे यार इसको तो आता नहीं है कुछ, क्योंकि वो आपको नहीं जानता। ऐसा नहीं होता है, इस चीज में मत फंसे रहना कि ऊपर की 2 लाइन चेक करेगा नीचे की 2 लाइन चेक करेगा, होता होगा ऐसा कभी ना कभी, लेकिन याद रखो कि ये चीज बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, 3 बार वो नोटबुक चेक होती है। दूसरी चीज याद रखना यार, हैंडराइटिंग, अगर आपकी हैंडराइटिंग बच्चों खराब है तो याद रख लो लिटरेचर में, स्पेशली लिटरेचर में तो नंबर लाना बहुत मुश्किल है, फिर आप 80s में अटके रह जाओगे, ये याद रखो। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब भी है तो आप बस थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के लिखो, काटा पीटी मत करो, ऐसे ऐसे करके कट करने की जरूरत नहीं है। कुछ आपका गलत हो गया, आपने कोई वर्ड गलत लिख दिया, उस वर्ड को ऐसे हल्का सा क्रॉस मार दो या एक लाइन मार दो, ऐसे डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चे बोलते हैं, अगर लेटर आया तो क्या लेटर को दूसरे पेज में लिख सकते हैं कि एक में ही खत्म करना होता है? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल आप दूसरे पेज तक लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, कोई मार्क्स नहीं कटता, बस फॉर्मेटिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। फॉर्मेट भी सारे सारे सही कर दिए ना तो टीचर का बहुत चीज चेंज हो जाती है। एक बार एक टॉपर्स आंसर शीट देख लेते हैं, ये देखो इसने लेटर कौन सा एक पेज में लिखा है, यहां से इसने लेटर स्टार्ट किया, सेंडर्स एड्रेस LOL, लीव 1 लाइन, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, रिसीवर्स एड्रेस लीव 1 लाइन, हर जगह उसने लाइन लीव करेगी, रिस्पेक्टेड सर सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। ये देखो दो पेजेस में उसने लेटर खत्म किया, टीचर ने उसको पूरा 5 मार्क्स दिया है, आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते, एक लेटर को एक पेज में करना ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, आप 2 पेजेस में भी कर सकते हो, याद रखना इस चीज को। राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, हमेशा 2-2, 3-3 लाइन छोड़ देना और सेक्शन की हेडिंग बहुत बड़ी बड़ी डालना, सेक्शन ए सेक्शन बी बिल्कुल क्लियर क्लियर करके ऐसे डालते जाना। और कोशिश करो कि जब ये ग्रामर अटेम्प्ट करते हो ना तो ऐसे मत करना कि भाई 1 का आंसर है ए, टीचर को गुस्सा आता है, उसे ये देखना पड़ेगा स्कीम में जाकर के आंसर की में कि अरे ए कौन सा है, तुम सीधे लिख दो 1 का एरर विजिटिंग है, 2nd का ए है, 3rd का इन है, ताकि उसको भी पता चल जाए अच्छा ये एरर्स हैं, उसको मार्किंग की ना देखनी पड़े, उसको ऐसे थोड़ी याद होगा कि ए ऑप्शन में कौन सा वाला वर्ड है, तो ये भी चीज याद रखना, ठीक है। बस यही 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है, बस 1-2 चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने की, वो ये है कि पेपर को 2 घंटे 45 मिनट का टाइम लेके चलना, नहीं तो पेपर छूट जाता है। इंग्लिश का पेपर लेंदी आता है, बच्चों से आंसर बनते नहीं है, तो याद रखो जितने वर्ड्स पूछे हैं उतने वर्ड्स लिखो, एक वर्ड एक्स्ट्रा मत लिख के आओ, 120 तो 120, ज्यादा एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस यही चीजें हैं पेपर प्रेजेंटेशन में जो आपको ध्यान देनी है, बाकी मुझे पता है आप लोगों को अंडरलाइन भी करना है, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझता है, ये आपने हर जगह से सीख लिया है। याद रखो पेपर अटेम्प्ट करते हुए अपने, स्पेशली इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करते हुए अपने थोड़ा दिमाग को शांत रखना, अच्छे से पेपर करना, पेपर बहुत ही आसान आता है, और वर्ड्स पे थोड़ा फोकस करते जाना कि क्या पूछना चाह रहा है। कई बार बच्चे इंग्लिश में पेपर को समझते ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत समझते हैं तो उनका आंसर फिर गलत हो जाता है, ठीक है। और देख लेना ऑप्शंस, देख लेना कहां कहां पे किस किस क्वेश्चन में ऑप्शंस है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट यार, हमने बहुत मेहनत की है, मुझे पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है तुम सब पे, तुम बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। जो भी स्टूडेंट्स चंडीगढ़ से हैं वो नीचे अपना सेंटर लिख सकते हैं, मैं कल किसी ना किसी पर्टिकुलर सेंटर पे जरूर आऊंगी विजिट करने के लिए पेपर रिव्यू के लिए। सो आई विल सी यू टुमारो, बाय एवरीवन।